ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर मैं ये आशा और उम्मीद रखती हूँ कि आप डेली डेली अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नया ऐड ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से आप डे बाय डे ग्लो कर रहे हैं। यू आर ग्लोइंग बाय योर सोल, बाय योर माइंड, आपके दिल से भी और आपके जहन से भी। आमीन। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इन्हीं सारी पॉजिटिव आशा और उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत, वेलकम बहुत सारा वाला। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो भी, और अगर आप आते जाते रहते हैं तो भी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग एक टैरो वीडियो देख रहे हैं, एक टैरो प्रेडिक्शन देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। और आज की जो प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ With the help of spirit guides, the archangels, the angels and all the beautiful energy surrounded me, आज की tarot prediction का topic होने वाला है what gift and what blessings divine wants to give you finally। मतलब जो होता है ना कि हमारे साथ ऐसा होता है कि finally यार, seriously फाइनली हो गया है ये चीज़, तो ऐसा ही कुछ ना आज की इस रीडिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइनली आप कौन सी ब्लेसिंग या कौन सा गिफ्ट परमात्मा की तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन एनर्जी। क्योंकि परमात्मा तो एक ऐसे स्वरूप है जो हर इंसान को कुछ 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 देता ही रहता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम रिसीवर एनर्जी में आ ही नहीं पाते हैं, हम लेने वाली एनर्जी में नहीं आ पाते। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया है। टाइमिंग्स भी बताऊंगी, ब्लेसिंग्स भी बताऊंगी, गिफ्ट्स भी बताऊंगी, गाइडेंस भी दूंगी, एंड जो कुछ भी आएगा आप लोगों के लिए लाइक रिचुअल, एनीथिंग, आई विल सर्व ईच एंड एवरी थिंग टू माई ब्यूटिफुल पीपल। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। सो अब मुझे लगता है आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, तो अब हम बात करते हैं कि पाइल सिलेक्शन क्या है। आप लोगों को हमेशा पता है कि टैरो प्रेडिक्शंस के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, हमें जिसको पिक करना होता है और उसके हिसाब से हमारी रीडिंग आगे बढ़ती है, ठीक है। कि इस पार्ट को जिसने पिक किया उसके लिए ये प्रेडिक्शन है, इस पार्ट को जिसने पिक किया उसके लिए वो प्रेडिक्शन, राइट। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो प्रेडिक्शन होने वाली है आप लोगों के लिए, आज का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो होगा हमारे डे इवेंट्स के हिसाब से। आपको पता ही है सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है, रात भी होती है, तो इसी को ही मैंने थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो इफ़ यू गाइज आर मॉर्निंग और नून पर्सन, यानी कि अगर आप सवेरे को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर अगर आप दोपहर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। और अगर आप इवनिंग और नाइट को पिक करते हैं, यानी कि अगर आपको बहुत पसंद है शाम का समय या रात का समय, तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ सा है, इसको कैसे पिक करूँ, इसको क्या करूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी पाइल सेलेक्शन। आप आराम से पिक कर सकते हैं, एंड जिन लोगों को पिक करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैंने एक प्यारा सा वीडियो यहाँ पर अटैच किया हुआ है, तो अभी आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा मॉर्निंग और नून का टाइम। जस्ट फील कीजिए इस ब्रीज को, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत, शांत एकदम, चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं और ठंडक है, ठंडक, शांति। दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम, ये सुबह सवेरे का समय है। हो सकता है आप मेडिटेट करें, हो सकता है आपको आप कुछ और करना पसंद करें, लाइक एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, और कुछ नहीं, जो शांत बैठ के रिलैक्स्ड करें अपनी बॉडी को। या फिर अब आप लोगों के सामने है नून का टाइम, यानी कि बहुत धूप पड़ रही है, शांति है लेकिन धूप है, चाहे फिर वो सर्दियों की दोपहर है या वो गर्मियों की दोपहर है, एक अलग ही वॉर्म्थ है, एक अलग ही वॉर्म्थ। सो दिस इज़ योर नून टाइम। तो अगर आप लोगों को पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 1 के अंदर मॉर्निंग और नून टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा।
अब हम बात करेंगे इवनिंग या नाइट, यानी कि पाइल नंबर टू की। अब आप लोगों के सामने ना एक वीडियो आने वाला है और उस वीडियो के अंदर होगा इवनिंग टाइम की एनर्जीज और कुछ पॉजिटिव सीनरीज। आप देख सकते हैं दिस इज एन इवनिंग टाइम, पंछी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, एक हल्की हल्की हवा है, सूरज देवता अभी ढले हैं, बस अभी अपने घर को निकले हैं। थोड़ा थोड़ा दिन ठंडा होने वाला है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है दिन, एंड यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रीज। इवनिंग का समय। और अब हम बात करेंगे रात की। अब आप लोगों के सामने ना रात का एक दृश्य आने वाला है। रात के दृश्य में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? खूबसूरत चांद, अगर ये एक चांदनी रात है तो बहुत ही खूबसूरत रात। हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही है, चाहे फिर ये गर्मी है चाहे फिर ये सर्दी है, बहुत ही शांत माहौल है। जब लेट नाइट हो जाती है ना 12 बजे के बाद, कितनी शांति होती है, बहुत शांति, ऐसी ही शांति है, एकदम सुकून। ना गाड़ियों की चिक चिक पिक पिक है, ना किसी का शोर है, सिर्फ आप हैं और ये रात, या फिर आप आपके पार्टनर और ये खूबसूरत रात। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आई होप सो आप अच्छे से समझ गए हैं कि आप मॉर्निंग या नून को पिक कर रहे हैं या फिर आप इवनिंग या नाइट को पिक कर रहे हैं। सो टुडेज पाइल सिलेक्शन इज़ एक्चुअली वेरी इजी, और अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है या क्या है क्या नहीं है, सो दे कैन गो थ्रू विद द इमेजेस एंड वीडियोज जो मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर अटैच किए हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन, यानी कि अगर आपने पिक किया है मॉर्निंग या नून को तो ये रीडिंग आपकी है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, और कमेंट में ना अपना प्यार देना ना भूलें। इट विल गिव मी अ पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर श्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आप लोगों ने पिक किया है मॉर्निंग एंड नून को, यानी कि सुबह और दोपहर को। आप लोगों की एनर्जीज, आप लोगों की चीज़ें एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने जीवन में क्या ला रहे हैं, आपके जीवन में क्या आ रहा है जो बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए पहले से ही शफल करके रख लेती हूँ और फिर हम शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। मॉर्निंग एंड नून, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर का कार्ड, नाइस। इधर बॉटम ऑफ द डेक है अ लेग अप,
बॉटम ऑफ द नेक द जजमेंट। यहां से चेक करेंगे हम परमात्मा की तरफ से एक मैसेज, और यहां से हम चेक करेंगे एक एडवाइस कार्ड। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये कार्ड है कि किस तरीके के पर्सन हैं आप, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज की रीडिंग आप ही की है। ये मैसेज है विजडम की तरफ से, यानी नॉलेज की तरफ से, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। परमात्मा चाहे हमें जितनी मर्जी देने की कोशिश कर ले, लेकिन हम रिसीवर मोड पर नहीं आ पाते हैं, ठीक है जी। तो अगर कुछ भी नेगेटिव निकलता है तो उसका रीज़न यहाँ होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है। नाउ ये कार्ड है जो मैंने निकाले हैं एनर्जी ओरेकल के, ये आपको बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आप लोग अपनी लाइफ में होंगे, किस एनर्जी सर्कल में आप होंगे जब आप इन ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स को पालेंगे। नाउ दीज आर द कार्ड्स फॉर ब्लेसिंग, ये वाले, दिस वन, और ये वाले कार्ड्स हैं परमात्मा की तरफ से गिफ्ट, ठीक है। तो शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। ना मन में कोई छल है, ना मन में कोई कपट है, जैसे है साफ है यही है। यानी कि सामने वाला बंदा चाहे जितना मर्जी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाने की कोशिश करे, आप एकदम ऐसे हैं, मतलब चिकना घड़ा होता है ना, उसके ऊपर मिट्टी नहीं झड़ती, उसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, बस बिल्कुल आप वैसे ही हैं। यानी कि आप किसी दूसरे के रंग में नहीं रंग सकते जब तक सामने वाला इनोसेंट नहीं है। आप अपने सिद्धांतों को और अपनी एनर्जीज को कभी भी खो नहीं सकते जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ को लेना, उनको पिक करना और उनको आगे बढ़ाना आपको बहुत बखूबी आता है। आप एक समझदार इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत इमोशनल हैं, और ऑल दो आप गलती नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़न लेने में या डिसीज़न बनाने में, लेकिन आप इमोशंस में आके ना हमेशा गलत फैसले कर लेते हैं, हमेशा। तो इमोशनल पर्सन है आप काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी कोल्ड, वेरी अथॉरिटेटिव एंड वेरी प्रैक्टिकल। अब जब बात आती है ना खुद की, या जब बात आती है कि किसी ने आपसे कुछ बोल दिया या किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में होते हैं कि अब इसको मैं बताती हूँ या अब इसको मैं दिखाता हूँ। तो मतलब यू गाइज लव टू टेक चैलेंजेस इन योर लाइफ, आपको चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। आपको ना किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को खड़ा करना और अपने आप को साबित करना बहुत पसंद है। आप कभी भी इस तरीके के इंसान नहीं हैं जो फॉगी सिचुएशंस में, परेशानियों में कहीं ना कहीं जूझ जाए या ख़त्म हो जाए या बिखर जाए, नहीं। आप एक बहुत ही स्ट्रांग सोल है, स्ट्रांग एनर्जी जो हमेशा ना बाउंस बैक करती है, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन में ना जैसे मर्जी तैसे जगह ढूंढ लेते हैं, जगह बना ही लेते हैं, अवसरों को खोज लेते हैं इन एनी हाउ। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ये ऊर्जा है एक समझदार एनर्जी, एक समझदार इंसान की ऊर्जा हम इसे कह सकते हैं, जो अपना कभी गलत होने नहीं देगा। या मैं कहूँ कि पहले आप ऐसे हुआ करते थे और आजकल आप ऐसे हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग, ऑब्वियसली बात है, किसी के लिए कुछ रेजोनेट होगा, किसी के लिए कुछ। तो हो सकता है कि अभी आप ऐसी एनर्जी एंड यू वॉन्ट टू बी बिकम लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स, या हो सकता है कि पहले आप पेज ऑफ कप्स हुआ करते थे और अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यू गाइज लव ट्रैवलिंग और यू गाइज डोंट लाइक टू बी स्टे इन अ स्टक सिचुएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप एक लंबे समय तक किसी स्टक सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप कुछ ना कुछ करके ना अपने आप को उस नेगेटिव ऊर्जा से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल ही देते हैं, और आपको पता है कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सो यू गाइज आर इमोशनल, प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल, डीप लिसनर, डीप लर्नर, और विजडम आप में कूट कूट के भरी है, यानी समझदारी आप में कूट कूट के भरी है। तो ये तो है भाई जी आपका व्यक्तित्व।
अब आप इससे जज कर सकते हैं, तीन कार्ड से जज कर सकते हैं दैट पाइल नंबर वन की जो रीडिंग है वो आप ही के लिए है या किसी और के लिए है, ठीक है? बिकॉज जो भी जनरली आई गॉट द मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट्स मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम चेक करते हैं कि जब आपको ये, अभी हम ब्लेसिंग और गिफ्ट की तरफ नहीं आएंगे, अभी पहले हम चेक करेंगे कि जैसे आपको ये ब्लेसिंग एंड गिफ्ट मिलेंगे आपकी एनर्जी क्या होगी, आपकी ऊर्जा क्या होगी. तो पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड. आई एम ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं ना इस दुनिया के ऊपर ना इकलौती ऐसे इंसान हूँ जिसने ये चीज़ अचीव करी है. आई एम द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस. आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली और इन माई क्या बोलते हैं उसे, मेरे पूरे ख़ानदान में ना, मेरी पूरी रिवायत में आप देख के देख लो, आई एम द ओनली वन पर्सन जिसने इस तरीके का कुछ किया है. मतलब जिसे कहते हैं ना कुछ उखाड़ना, ठीक है? कैसे बहुत सारे रिलेटिव्स हमारी टांग खींचते हैं ना कि कुछ उखाड़ के दिखाओ तुम, तब जानेंगे क्या उखाड़ा है तुमने अपने जीवन में. तो भाई साहब यहाँ पर कार्ड है द वर्ल्ड का. दैट मीन्स कि कार्ड नंबर 29 अगेन द 11 इज़ अ नंबर ऑफ द मास्टर्स नंबर, जिसका मतलब होता है दैट योर सोल इज़ गेटिंग समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द इल्यूशंस. बियॉन्ड द इल्यूशन का मतलब हो गया कुछ ऐसी एनर्जी में आप होंगे जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा ना हो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल फील दोज एनर्जीज कि अचानक से आपके जीवन में कुछ हुआ है और आप उसको फील करके ना, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, अचानक से वो हो गया. एंड नाउ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव, यू आर जस्ट टोटली यू नो फ्लोइंग इन दोज एनर्जीज. तो द वर्ल्ड का कार्ड इज हेयर. ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे कार्ड की. और दूसरा कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट. हो सकता है कुछ प्यार से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है. इसका मतलब कि आप प्यार की लहरों में बहेंगे उस वक्त, ठीक है? आपको ऐसा रहेगा कि यही तो है जिस चीज़ का मैं इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी. अपने दिल को अपने हाथों में लेकर के ऐसे बैठे हुए रहेंगे कि आओ और बस ले लो. सो ये मुझे एक रोमांटिक कार्ड भी लगता है और ये मुझे एक ऐसा कार्ड भी लगता है जो सम हाउ डेस्परेट है अपना प्यार जताने के लिए, डेस्परेट अपना प्यार दिखाने के लिए. अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड के गले में ना, इस बंदे के गले में आपको एक चेन दिखेगी. उस चेन के अंदर एक रिंग है. तो ये बंदा ना रिंग को लेके बैठा हुआ है, अपने दिल को लेके बैठा हुआ है कि इसको कोई वैल्यूएबल सी हसीना मिले और ये तुरंत से अपना दिल उसे दे दे. तो आप भी कुछ ऐसी एनर्जी में बैठे रहेंगे कि तुरंत से हो और झटाक से मैं कर दूँ. एंड ऑब्वियसली बात है जब कुछ ऐसा हो रहा है तो विक्टोरियस तो आप फील करेंगे ही. सो दीज काइंड ऑफ एनर्जीज यू गाइज विल हैव जब भी आप इन ब्लेसिंग्स को इन ब्लेसिंग्स को एंड गिफ्ट्स को हासिल कर लेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू माय ब्यूटीफुल पीपल. वी हैव अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्स, अ न्यू बिगनिंग. और उससे पहले यहाँ पर क्या आया है, एसेस के कार्ड है, अगेन 11 हो गए ये. और यहाँ पर है द टावर. अब जब टावर आता है ना तो लोग घबरा जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि टावर इज़ अ वेरी स्पेशल कार्ड. मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा है, बट मैं बोलूँगी इट इज़ वेरी स्पेशल कार्ड बिकॉज इट डिनोट्स कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको बदल के रख देगा, ठीक है? आपके जीवन को बदल के रख देगा, आपको बदल के रख देगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी. सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस. किसी तरीके की परेशानी, किसी तरीके का झिकझिक, किसी तरीके की नेगेटिविटी, ऐसा कुछ भी नहीं. So, my beautiful people, Tower is there, Ace of Swords is there, Ace of Wands is there. आपने अपने जीवन में, पास्ट में जितने भी टावर मूमेंट्स रहे हैं, ऐसा समय अगर आपने सहा है my beautiful people, जहाँ पर आप बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लटक गए थे, फाइनली वो समय somehow यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है, ठीक है? और ये समय कैसे जाएगा, देखो एक साइकिल हम क्रिएट कर लेते हैं my beautiful people. For example, if you want to wake up early as possible, like 4 or 5 o'clock, but आप daily उठ रहे हो 8 बजे, तो आप क्या करोगे, उस वो जो cycle बन गई है ना उसको तोड़ने के लिए आप बहुत मेहनत करोगे, जिसे हम कहते हैं ना प्योर जिद्दोजहद, ठीक है? तो वो जो जिद्दोजहद है ना, somehow आप करने वाले हो.
एंड आप इस साइकिल को तोड़ोगे, वट एवर द साइकिल यू आर स्टक इन इन दैट, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं तोड़ोगे और वहाँ से निकलोगे और बहुत खुशी के साथ आप जो है आगे बढ़ोगे. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कुछ विनिंग आ रहा है. ब्लेसिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ विनिंग है और एक न्यू बिगनिंग है. ठीक है, ये न्यू बिगनिंग किसी भी तरीके की हो सकती है. स्पेशली यहाँ पे टावर कार्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी तो वो मैंने आपको अच्छे से एलैबोरेट करके बताया. नाउ लेट्स सी व्हाट गिफ्ट्स आर कमिंग फॉर यू. नाइट ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स सम लव सिचुएशन इज कमिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल पीपल. इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया था, है ना, इसलिए यहाँ पर ये कार्ड आया था. कुछ प्यार से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, प्यार में कमिटमेंट से रिलेटेड और लाइफ के अंदर यू नो सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके जीवन में आ रहा है. नाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर एनर्जी दे रहा है फिक्स करने की. फिक्स करना बोले तो क्या, फिक्स करना बोले तो पास्ट में जो आप चीज़ों के लिए वंचित रह गए, पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर के आप उखड़े रह गए, परेशान रह गए, फाइनली दोज थिंग्स आर कमिंग एज अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन. अब आपको आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ. तो सम हाउ यहाँ पर जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेजोनेट मैच कर रहा है और इसकी एनर्जी यहाँ पर यही है माई ब्यूटिफुल पीपल कि प्यार से रिलेटेड कुछ बहुत ही फास्ट और भागा भागा आपके जीवन में आ रहा है. इट डजेंट मैटर यू आर सिंगल मिंगल और इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप और यू आर अ मैरिड पर्सन और अ वुमेन और अ मैन. मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ प्यार के आपके जो मामला है ना वो सम हाउ सॉल्व हो रहे हैं. सम हाउ का मतलब हो गया कुछ अलग ही तरीके से. ठीक है, जैसे ना तैसे कुछ डिफरेंट तरीके से जो है वो ठीक होने वाले हैं. नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पर तरक्की की एनर्जी दे रहा है, खुशी की एनर्जी दे रहा है, फ्रीडम की एनर्जी दे रहा है. सो फ्रीडम इज़ कमिंग फॉर यू. इस वजह से आप अपना दिल ऐसे निकाल के से बैठे रहेंगे ले लो ले लो. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स इज जस्टिस. अब मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सम हाउ जस्टिस के लिए तरस रहे थे इतने समय से. जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय. अगर हम पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के तरसे हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते थे, हमने उस चीज़ को भी लिया है अपनी लाइफ में. सो सम हाउ जस्टिस का कारण है यहाँ पर, दैट मीन्स अ न्यू बिगनिंग, एन अर्ज ऑफ समथिंग एंड अ पॉजिटिव इंक्रीमेंट इज कमिंग फॉर यू. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इस बंदे के हाथ में एक मेडल है, राइट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेडल. तो जो ये मेडल है ना यहाँ पे वो ये शो कर रहा है और इस मेडल के ऊपर ना मैं आप लोगों को नहीं दिखेगा, आई नो दैट, या शायद दिख रहा होगा, आई डोंट नो. तो इस मेडल के ऊपर बना हुआ है एक हॉर्स. ठीक है, और ये हॉर्स पता है क्या एनर्जी दे रहा है, ये हॉर्स एनर्जी दे रहा है बहुत अगेन फास्ट फ्लोइंग. यहाँ पे भी फास्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे भी फास्ट कार्ड है. दैट मीन्स ब्लेसिंग्स के अंदर जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई ना वो एवं नहीं आई, बिकॉज गिफ्ट के अंदर आपके लिए जस्टिस है, प्यार का भी जस्टिस है, करियर का भी जस्टिस है. एंड यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब आपके पास दो ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके जीवन को खोल के रख देंगी, खूबसूरती के साथ आगे बिखेर के रख देंगी. सो बेसिकली माई ब्यूटिफुल पीपल, वॉट आई एम सीइंग हियर फॉर यू इज, वाओ, अच्छा सा लगता है मुझे जब रीडिंग बहुत प्यारी आती है ना, मतलब खुशी होती है मुझे कि ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर कि जो पास्ट का कचरा था वो फाइनली ख़त्म हो गया है. आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, कुछ विक्टोरियस आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हैं जिसकी वजह से न्यू बिगनिंग हो रही है. एंड गिफ्ट्स में आपके पास आ रहा है प्यार के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई ऊर्जा, एक न्यूनेस, एक पॉजिटिविटी जो सुकून दे. जस्टिस यानी कि न्याय एंड कुछ अपॉर्चुनिटी जो आपके जीवन को बदल के रखते. नाउ लेट्स सी विजडम से क्या है. सो विजडम से मिल्क एंड हनी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दूध नहाओ पोतो फलो, फ्लेक्सिबल रहो जितना हो जाए एंड देयर एंड नाउ. तो यही समय है, यही सिचुएशन है जो आपको हासिल करनी है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ानी है. तो परेशान नहीं होना है, दिस इज ऑल इज कमिंग फॉर यू गाइस. और ये बहुत ही फास्ट एनर्जी है, बट फिर भी मैं टाइम आप लोगों के लिए चेक जरूर करूंगी. सेवन ऑफ सोर्ड्स कमिंग सेवन वीक्स के अंदर अंदर, सेवन वीक्स मात्र 7 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोगों के जीवन में आ रहा है. सेवन वीक्स का मतलब हो गया जी 4 वीक्स यानी मंथ, 4, 5, 6, 7 डेढ़ महीने के अंदर अंदर. ठीक है,
कुछ लोग ये मत बोलना 1.5 महीना, भाई इतना कुछ हो रहा है तो 1.5 महीने तो लगेगा. सो एडवाइस फॉर यू हेयर इज इन गॉड लाइट यू फाइंड द स्ट्रेंथ 8888888. खुशी. सो जब परमात्मा की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है ना तो हम स्ट्रेंथ पा लेते हैं, हम फिर से अपने आप को पा लेते हैं. एंड एडवाइस हेयर फॉर यू इज बी असर्टिव, यानी कि अच्छा सोचें, असर्टिव रहें, पॉजिटिव रहें जो भी चल रहा है उसको लेकर के. एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ नाउ इट्स टोटली अप टू यू. ये अप टू यू किस चीज के लिए आया देखें तो. ओके. बार बार आप लोगों को एक चीज बोली जा रही है, अगर आपने गौर किया है माय ब्यूटीफुल पीपल, कि आपको अच्छा सोचने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है. तो हो सकता है आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो इस ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें या खत्म करने की कोशिश करें. अदरवाइज यू गाइज विल गेट नेगेटिव एनर्जीज रिलेटेड टू द डिफरेंट वर्क. कुछ अच्छा भी हो रहा है तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप इनसिक्योर हो रहे हो. तो इनसिक्योर होना बंद कर दो, परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दो कि लो जी हमने तो अपनी गठरी आपको सौंप दी, अब आपको जो सही लगे आप करो, फेंको, रखो, इम्प्रूव करके मुझे वापस दो, इट डजंट मैटर एट ऑल. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, द मॉर्निंग एंड नून गाइस, आप लोगों के लिए ये रीडिंग थी आज की. आप लोग अपने जीवन में नेक्स्ट 7 वीक्स के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स परमात्मा की तरफ से पा रहे हैं. नाउ डिवाइन वॉन्ट इट टू गिव यू ऑल, जो भी चीज़ें आई हैं यहाँ पर, तो उसको ना दोनों हाथों से खुले तरीके से अपना लो. बिकॉज आप जितना ओवरथिंक करोगे, जितना आप चीज़ों के अंदर बल्ज करोगे, उतना आप नेगेटिवली यू नो अपने आप को डील करोगे. सो बल्ज नहीं करना है, परेशान नहीं हो करना है, अपने आप को ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए. ओके, तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें माय ब्यूटीफुल पीपल. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार. इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लकी लोग थे उनके नाम, उनके क्वेश्चन मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. आपको नहीं पता क्या है ये सिचुएशन, तो मैं बताती हूँ कि एक कमेंट में यहाँ पर पिन कर देती हूँ, उस कमेंट के अंदर जिसका क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल और अंदर से मुझे आवाज़ आती है, उन 3 ऐसे लकी लोगों के लिए उनके एक क्वेश्चन की मैं फ्री रीडिंग करती हूँ डेली, हर वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, हो सकता है कि नेक्स्ट विनर आप ही हो, तो जल्दी से अपना नाम, अपनी ममा का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना एक सिंगल क्लियर क्वेश्चन जरूर से भेज दीजिए, क्या पता वो लकी विनर आप हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो नेक्स्ट वीडियो में आना ना भूलें अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या लकी आप वो पर्सन है या नहीं है, या आपके लिए क्या रीडिंग है. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपनी पर्सनल प्रिडिक्शंस ले सकते हैं मुझसे, बुकिंग्स करा सकते हैं बाय मेल मी ऑन माय मेल आईडी. एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टा सही इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाके ही आप मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रॉडबाजी फैलाई हुई है, तो उनसे आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा वाला प्यार. Hi to all my beautiful pile number 2 people, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला welcome है guys आज की इस reading के अंदर. I hope आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं. So if you guys are evening or a night person, then this reading is actually for you my beautiful people. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या निकल के बाहर आता है. आइए, सो आज की रीडिंग का टॉपिक, आई होप सो आप सभी लोगों को अच्छे से याद है. आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है दैट व्हाट गॉड वांट्स टू गिव यू अ ब्लेसिंग और अ गिफ्ट, यू कैन से. और माय ब्यूटीफुल पीपल, अब मैं थोड़े से आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ. ठीक है, टुडे आई एम यूजिंग डिफरेंट डेक. डिफरेंट डेक्स मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोगों के लिए.
लेट्स सी दीज आर एनर्जी कार्ड्स आप लोगों के लिए. ये डिफरेंट टैरो डेक है. इट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. बहुत ही खूबसूरत सा टैरो डेक है ये. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम गाइडेंस भी चेक करेंगे, हियर वी हैव थ्री कार्ड्स. नहीं, फिर से शफल करें. थ्री कार्ड्स. यहां से हम एक सिंगल मैसेज देखेंगे परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए, माय ब्यूटीफुल पीपल. और यहां से हम गाइडेंस चेक करेंगे जितना मर्जी. ओके, सो अब मैं थोड़े से आप लोगों को कार्ड्स समझा देती हूँ. ये थ्री कार्ड्स हैं ये पता करने के लिए कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि आपने पाइल नंबर टू को पिक किया है, इवनिंग नाइट, यानी कि आप सही पाइल का आपने सिलेक्शन किया है या नहीं. ओके, ये कार्ड्स हैं, ये वाले जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, द ब्यूटिफुल ब्लू ऑरेकल, ये कार्ड्स आपको बताएंगे कि जब आपको ये ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स मिल जाएंगे तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी. ठीक है, ये कार्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि परमात्मा की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिला है. और ये कार्ड्स आपको बताएंगे कि कौन सी ब्लेसिंग परमात्मा की तरफ से आप लोगों के जीवन में आ रही है. ठीक है, एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, दीज आर दी विजडम ऑरेकल्स, विजडम कार्ड, जो आपको बताएंगे क्या चीज़, जो आपको बताएंगे कि बहुत बार ऐसा होता है ना दैट वी आर मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स बट हम कहीं ना कहीं गलतियाँ करते रहते हैं. तो दीज कार्ड विल हेल्प अस टू नो दोज मिस्टेक्स. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विद टुडेज रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल. स्टार्ट करते हैं आपके नेचर से. धूम 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 वाली एनर्जी, यानी कि वेरी फास्ट फ्लोइंग. नाउ इन दिस कार्ड मैं बाइक पर हैं, ये ऑब्वियसली बात है, बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा हैं, बाइक पर हैं, इनके हाथ में एक स्वॉर्ड भी है और दो चांद है यहाँ पर, दो स्टार्स हैं यहाँ पर. इसका मतलब सम हाउ यू गाइज आर वेरी पैशनेट, बहुत पैशनेट हैं आप. सही गलत ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखता है आपको. जब आप अपना कोई एक गोल बना लेते हैं ना, किसी भी प्रकार का, जब आप कोई अपना एक गोल बना लेते हैं तो आप उस चीज़ के लिए अपने आप को 100% समर्पित कर देते हैं. आप एक कर्तव्य निष्ठावान इंसान हैं. आप हमेशा चीज़ों के अंदर ना कमियां खामियां नहीं ढूंढते हैं. आप चीज़ों को और अपने हिसाब से रहने योग्य बनाते हैं, बेटरमेंट की तरफ जाते हैं आप हमेशा. ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो साफ कहो सुखी रहो वाली सिचुएशन में है. आप एक ऐसे इंसान है ना जो कुछ भी करने से डरता नहीं है. बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है. आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं. इनफैक्ट मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जब बात आपके अपनों की हो या जब बात आपके खुद के ड्रीम्स की हो, पैशन की हो, तो आप परहेज नहीं करते हैं अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाने के. सो यू आर वेरी निडर इंसान, जिसके अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है कि आज यहाँ है कल क्या होगा, कोई खौफ नहीं है. नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स. अगेन यहाँ पर सोर्ड की एनर्जी, यहाँ पर भी सोर्ड थी. तो ये सोर्ड मुझे यहाँ पर बता रही है कि कुछ ऐसा गंभीर आपके मन में है जिसको आप कर देना चाहते हो, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आप ले लेना चाहते हो, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप बना देना चाहते हो. और आप ये चाह रहे हो कि आपके जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी सिचुएशंस हैं, इन सबको आप ख़त्म कर दिया जाए और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू किया जाए. ये पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन भी दिखा रहा है. हो सकता है आप अपना कंपेरिजन दूसरे लोगों से करते हैं, या फिर आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं और ये ओवरथिंकिंग ना सम हाउ आपको आपके जीवन में नेगेटिविटी के सिवाय और कुछ देती नहीं है. ये आपको भी पता है. बाय द वे मैं बता दूं, पाइल नंबर टू पीपल, यू ऑल्सो नो दैट दिस एनर्जी और दिस हैबिट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द फ्यूचर आउटकम्स, कि अपना कंपेरिजन किसी से करना एंड ऑल. लेकिन फिर भी ना कहीं आप अपना कुछ कंपेरिजन ना इधर उधर कर ही देते हैं.
आज देख इसने कैसे कपड़े पहने, मैंने कैसे पहने, इसकी लाइफ ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी. सो कंपैरिजन इज देयर फॉर यू. आप कंपेयर करते हैं अपने आप को लोगों से. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग में महारत हासिल है आपको. बाय द वे दिस हैबिट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फाइनेंस एंड द फ्यूचर आउटकम. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स. अगेन देखो यहाँ पे बाइक है, तो यहाँ पे बाइक की एनर्जी इतनी ज़्यादा ना कि भाग जाओ वाली एनर्जी. तो आप अगेन क्विक डिसीजन लेना, क्विक आंसर करना, क्विक करते हैं हर काम को, इतना क्विक करने की कोशिश करते हैं कि पीछे रह जाए बंदा रहे तो भाड़ में जाए. एट ऑफ वॉन्ड्स, ओवर थिंकर तो हैं आप, लेकिन आप सही बोलते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि लोग ना उस चीज़ को सुन करके ना हैरान रह जाते हैं. मतलब आपकी जो बोलने की और जो आपकी एनर्जीज है ना लोगों को समझाने की, वो कुछ ऐसी हैं जो आपको लोगों से अलग कर देती है. आप हमेशा लोगों के दुखों पर, जले पर ना मरहम का काम करते हैं. यू आर सुकून टू एवरीवन्स लाइफ, सीरियसली. नाउ लेट्स सी, आप लोगों को जब ये ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स मिल जाएंगे तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं. फर्स्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. अब भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जो मिलना था वो मिल गया है, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैं जा रही हूँ गोवा, या अब तो मैं जा रही हूँ अपनी कोई भी धार्मिक यात्रा करने, चाहे वो चारों धाम की यात्रा हो चाहे कोई और यात्रा हो, मैं तो चली भाई साहब अब सुकून मनाने. तो वो वाली एनर्जी आई एम सीइंग हियर कि बंदा मस्त अच्छे से पैकिंग वैकिंग कर रहा है और कहीं घूमने जा रहा है, या फिर बंदा मस्त सो रहा है, आराम से खा रहा है, सुकून से लेटा हुआ है. मतलब जैसे होता है ना कि सुकून की लाइफ है. अब किसी से लेना है एक ना देना, तो किसी के लिए परेशान नहीं होना है ना, अपने जीवन को लेकर के इनसिक्योरिटी है. सो आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि हर तरीके की, हर प्रकार की इनसिक्योरिटी से दूर, हर प्रकार की नेगेटिव परेशानियों से दूर, एकदम सुकून में. इनफैक्ट आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे. इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, यू कैन सी डोर टू पर्सनल हीलिंग. समझ रहे हैं, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कि अपनी हीलिंग करना. एक इंसान अपनी हीलिंग तब कर सकता है जब वो अपने मन से इनसिक्योरिटी, गर्जिस, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग और हर चीज़ में जो चिक 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 होती है ना, इसको ख़त्म कर दे. और ये पांचों चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं, ये पांचों चीज़ें तब ख़त्म हो सकती है जब इंसान के पास सब कुछ है. तो कुछ तो ऐसी गिफ्ट और ब्लेसिंग आप लोगों के जीवन में आ रही है जो आपको हील करेगी, आपको ना खुशी महसूस कराएगी. नेक्स्ट कार्ड है सेकेंड चक्र. आपका सेकेंड चक्र एकदम स्टेबल रहेगा. आप अपने आप को बैलेंस महसूस करोगे. आप अपने आप को पैसे को लेकर के या किसी भी अदर चीज़ को लेकर के, अगेन सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर के ना किसी भी सिचुएशन में ऐसा महसूस नहीं करोगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, या काश ये होता तो कुछ और होता. ना, संतुष्ट. नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. मैंने बोला ही था यू गाइस आर वेरी स्ट्रेंथफुल. अब बंदा स्ट्रेंथ में कब होता है, आप खुद सोच के देख सकते हो. बंदे के पास स्ट्रेंथ कब आता है, बंदे के पास स्ट्रेंथ तब आता है, हम सबके पास स्ट्रेंथ तब आता है जब हमारे पास वो सब कुछ है जो जिसको लेकर के हम जो मर्जी आए चीज़ हासिल कर लेंगे, या फिर हमारे पास इतना है कि हमें सोचना ना पड़े. सो अबेंडेंस इज देयर. नाउ लोग अबेंडेंस को सिर्फ पैसे से तोलते हैं, लेकिन अबेंडेंस हर चीज़ में होती है. प्यार में होती है, समर्पण में होती है, करियर में होती है, हर चीज़ में होती है. तो अबेंडेंस इज देयर. ठीक है, अब हम चेक करते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू गाइस. कौन कौन सी ब्लेसिंग आप लोगों के जीवन में आ रही है. तो सबसे पहली ब्लेसिंग है यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स. करियर में कहीं स्टक हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, नया नया ट्वेल्थ पास किया है, या कोई जॉब कर रहे हो एंड यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, काम कुछ और कर रहे हो, हॉबीज कुछ और है, चाहते कुछ और हो करना, कर कुछ और रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो अभी आपको ना अच्छा नहीं लग रहा है अपने करियर के अंदर. सो ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर यू कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं पसंद और आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, फाइनली आप इन सब चीज़ों से आज़ाद होने वाले हो. ठीक है, आज़ाद होने वाले हो, स्पेशली इन योर करियर. ठीक है जी, और ये बहुत ही खूबसूरत होगा क्योंकि आप देख सकते हो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ठीक है, बहुत ही खूबसूरत होगा जहाँ पर आपको झिकझिक नहीं करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को लेकर. नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स.
Now something romantic, something emotional and something very valuable is coming for you. कुछ ऐसा परमात्मा की तरफ से एज ए ब्लेसिंग आप लोगों के जीवन में आ रहा है जो कि इमोशनल है. अब ये कुछ रोमांटिक भी हो सकता है, ये कुछ लवेबल भी हो सकता है, या ये कोई ऐसा इमोशन हो सकता है जो आपने आज तक जिया नहीं है एंड फाइनली वो आपके जीवन में आ रहा है. एंड नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स. दैट मीन्स भर भर के स्टेबिलिटी. अब एक इंसान के जीवन में स्टेबिलिटी कब आती है? जब वो अच्छा कमा रहा है, उसको वो सब मिल गया जो वो चाहता था अपने जीवन में, तभी आएगी ना. सो टेन ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ अबेंडेंस, लॉट्स ऑफ श्योरिटी एंड लॉट्स ऑफ होप इज कमिंग फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल. खुशी से हो जाती है. नेक्स्ट आइए चेक करते हैं व्हाट गिफ्ट्स आर कमिंग. द हर्मिट, एट ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. अगेन हर्मिट का कार्ड है भाई. हर्मिट की एनर्जी ऐसी होती है कि ये बंदा बेचारा कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन इस डेक के अंदर इस कार्ड की एनर्जी है कि इसने उस चीज़ को ढूंढ लिया है और अब ये फाइनली खुश है. तो हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ के अंदर एज ए गिफ्ट. गिफ्ट इज फॉर यू इज हैप्पीनेस. जो चाहते थे वो फाइनली हो गया. एट ऑफ वॉन्ट्स, अ गुड न्यूज़ विद डिजिटल एनर्जी. यानी कि कोई मेल, फैक्स या कोई क्या बोलते हैं उसे, कोई फ़ोन के ऊपर मैसेज है ना, कुछ ऐसा आने वाला है. एट ऑफ वॉन्ट्स एज अ गिफ्ट एंड क्वीन ऑफ कप्स. अगेन आप बहुत ही ज़्यादा मदरली, बहुत ही ज़्यादा नर्चरर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महसूस करोगे जब आपके साथ ये चीज़ होगी. ठीक है, तो संतुष्टि, जो चाहा था वो मिल गया, ऐसा कुछ. नेक्स्ट एट ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि न्यू एनर्जीज विद लॉट्स ऑफ फ्रीडम, अ फायरी पॉजिटिव न्यूज इज कमिंग फॉर यू. एंड नेक्स्ट लव में कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करो. हो सकता है आप में से कुछ वुमेन्स ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं. सो क्वीन ऑफ कप्स, अ मदर कार्ड, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप ममा बन सकते हो. ठीक है, सो गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स बहुत प्यार प्यार है आप लोगों के लिए. यानी कि करियर में ऊंचाइयाँ, प्यार का एक सद्भावना में आके स्टेबल होके आगे बढ़ना, भर भर के अबेंडेंस का होना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते थे फाइनली वो पूरी हो जाना, और कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको एक्साइटेड कर देगी, एंड क्वीन ऑफ कप्स, प्यार में सुकून. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी विजडम ओरेकल वांट्स टू टेल यू बाय द बुक. हमेशा एक चीज़ याद रखना, 11 नंबर है यहाँ पर. आज अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के वो होगी नहीं. ठीक है, क्योंकि परेशानियाँ हमेशा जाती है, खुशियाँ हमेशा आती हैं, ये रियलिटी है. तो परेशान नहीं होना है, ये महसूस करना है कि आप एक दिलचस्प इंसान हो. न्यू लाइफ का कार्ड है यहाँ पर. दैट मीन्स अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग फॉर माय ऑल ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल. एंड लव हार्ट का कार्ड है यहाँ पर. दैट मीन्स समथिंग वेरी पॉजिटिव, हैप्पी, लवेबल इज कमिंग. भाई किसी की लाइफ में हो सकता है ट्रू लव आ रहा है. ठीक है, न्यू लव, ट्रू लव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम एक ही तरीके के कार्ड्स हैं, न्यू लाइफ एंड लॉयल हार्ट. तो न्यू लव आ रहा है या फिर कोई ट्रू सोलमेट या ट्रू लव आ रहा है आपके जीवन में. नाउ लेट्स सी कब तक होने वाला है ये, कब तक दे रहे हैं परमात्मा आपको ये सब. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और चेक करते हैं क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है तो इसको रीचेक जरूर करेंगे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कभी भी, कमिंग टेन डेज टू टेन वीक्स. टेन डेज तो टेन डेज ही होते हैं, दस दिन, और टेन वीक्स का मतलब हो गया आपका चार और चार आठ, ढाई महीने. ठीक है, ढाई महीने. जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जब भी, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, उसके ठीक दस दिन या फिर 10 वीक के अंदर अंदर. इसलिए यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि पेंटिकल्स ना एक लंबे समय को दिखाती हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने उसको रीचेक किया. ओके, अब चेक करते हैं हम एडवाइजेस. परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. रिमेन पॉजिटिव, अच्छा सोचें. ठीक है, अगर आप बिलीव करेंगे तो आप वो सब हासिल कर लेंगे जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं. एंड टेक दिस रीडिंग एज अ साइन. ओके, इस रीडिंग को एज अ साइन लेने की कोशिश कीजिए कि परमात्मा आपके साथ हैं और वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से साइन देना चाहते हैं कि वो अब आप फाइनली आपको ये सब देने वाले हैं. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिक.
पेशेंसली वेटिंग फॉर आर सेंसेस टू गो ग्रो शार्पर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो पूरा संसार है ना, ये मैजिकल है, यहाँ पर सबके लिए अनंत है, संपूर्ण है, संतोष के साथ है, प्रचुर मात्रा में। तो आप जो चाहे वो पा सकते हो, बस ये आपकी एनर्जी कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को यू नो स्टेबली सिक्योर कर रहे हो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। जिन्होंने भी पिक किया था इवनिंग एंड नाइट को, सो यू गाइज आर इवनिंग और नाइट पर्सन। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग कितना रेजोनेट हुई ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और चेक कर लीजिएगा कि क्या आप वो विनिंग 3 लोगों में से एक है या नहीं। आपको नहीं पता ये क्या सीन है। सो मैं एज ए ग्रैटिट्यूड आप में से किन्हीं 3 लोगों की फ्री रीडिंग करती हूँ। हर दिन आपको हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है इसके बारे में, तो उनके लकी नेम्स और उनकी रीडिंग जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी दैट लकी विनर, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर, एक पिन कमेंट है उसके अंदर जाकर के अपनी डिटेल्स यानी अपना नाम, अपनी मामा का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना एक क्वेश्चन बहुत ही क्लियर तरीके से भेज दीजिए। हो सकता है कि आप नेक्स्ट विनर बन जाएं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, जो भी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ डोंट मैसेज मी देयर। बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि आप मेरी यहाँ रीडिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। नहीं, देखिए यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं यहीं पर करना चाहती हूँ उन 3 लकी विनर्स की रीडिंग, ठीक है। तो प्लीज़ इधर उधर मुझे मैसेज ना करें, यहीं पर ही करें कमेंट, ठीक है। तो जिसका बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा या परमात्मा चाहेंगे उसको उसकी रीडिंग ज़रूर मिलेगी। एंड इफ़ यू वांट टू बी दैट लकी, तो निराश नहीं होना है, कोशिश जारी रखनी है, बिकॉज मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ, है ना, तो मैं कोई पार्शियलिटी तो करूँगी नहीं। तो आपने क्या करना है, ज़रूर से अपना कमेंट में ड्रॉप करना है मैसेज, नाम और सारी डिटेल्स और अपने क्वेश्चंस। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर हो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से। सही इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स भर गए हैं, ठीक है। तो सही इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। आप लोग अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स करा सकते हैं बाय मेल में ऑन माय मेल आईडी। मेल आईडी आप सभी लोगों को पता है, मैं बोल भी देती हूँ, इट्स GOTWAL PRIVANKA7@gmail.com। ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो एवरी डिटेल, एवरी थिंग यू गाइज विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड गेट योर पर्सनल रीडिंग्स टू बी डन। लव यू ऑल, जल्दी मिलेंगे कौन रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।